वेलकम एवरीवन, वेलकम टू गोपाल रेस्टोरेंट। होप के सब ठीक होंगे। अभी मैं बस सोकर उठी हूँ और नाश्ता बनाने जा रही थी, तो मैंने सोचा वीडियो भी यहीं से स्टार्ट कर देती हूँ। रूम में ही हूँ। मेरे हस्बैंड तो सुबह ऑफिस जा चुके हैं, उतनी जल्दी जाते हैं सुबह में कि उस टाइम वीडियो बनाने का टाइम नहीं होता। मैं अपने लिए नाश्ता बनाने जा रही हूँ, 12:30 तक उठ जाती हूँ मैं। तो आज हुरिया और हुरिया के बाबा जा रहे हैं एक तकरीब में, किसी के हकीके की तकरीब है, तो मैं नहीं जा रही हूँ। हुरिया हुरिया के बाबा जा रहे हैं, तो आज मैं घर में अकेली हूँ क्योंकि हुरिया दोनों जा रहे हैं। और ब्लॉग स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करने अगर अभी तक नहीं किया, इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिएगा मुझे और हुरिया को भी। मैं लिंक दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। हुरिया का भी है इंस्टाग्राम जी। हुरिया भी उठ चुकी हैं और हुरिया को भी नाश्ता करना है, तो वीडियो यहीं से स्टार्ट। तो अंडा बना लिया मैंने अपने लिए, इसके साथ ही डबल रोटी। और अब मैं कर लेती हूँ जल्दी से नाश्ता, फिर नाश्ते के बाद मुझे और काम भी करने हैं। इसके बाद मैंने यहाँ बेडशीट लगानी है बेड पे, तो मैं अब बेडशीट लगा लूँगी। इसके बाद हुरिया को बाथ करवाना है, तो बस मैंने हुरिया को नहला दिया। फिर इसके बाद मुझे इतनी ज़्यादा गर्मी लगती है क्योंकि मैं उसी वक्त नाश्ता करके आई हुई थी और बेडशीट वगैरह चेंज करके, तो इतनी शदीद गर्मी हो रही थी। मुझे ऐसा लग रहा था मौसम भी देख करके बारिश हो जाएगी, हफ्स बहुत ज़्यादा हो रहा था, तो अचानक से बारिश भी होना शुरू हो गई। लेकिन बारिश बहुत तेज़ नहीं हुई, बिल्कुल हल्की हल्की हो रही थी। अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ आगे, हल्की हल्की बिल्कुल बारिश हो रही थी, उसमें सही से पता भी नहीं चल रही वीडियो में। लेकिन मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया था अचानक से, और फिर थोड़ी देर में बारिश रुक भी गई। यहाँ पे तो यही होता है कराची में कि बारिश होती इतनी कम है, होती भी है तो बहुत ही कम होती है, वरना तो होती ही नहीं है। और यहाँ पे फिर शाम में मैंने फ्रूट्स वगैरह निकाल लिए थे, फिर इसके बाद मैं हुरिया को सुलाऊंगा। और क्या करनी है इता? ता? ता? और उरिया को गुदगुदी कैसे होती है? उरिया को गुदगुदी गुदी 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 कैसे होती है? गुदगुदी कैसे होती है? गुदगुदी उरिया तो ये अपनी मम्मा को छोड़कर जा रही हैं। इनको ऐसा लग रहा है कि ये शादी में जा रही हैं, लेकिन ये शादी में नहीं जा रही हैं, ये जा रही हैं एक हकीके में। किसके हकीके में जा रही हैं हुरिया? हैं शादी में जा रही हैं। और शादी में जाके क्या करेंगी? पपअप खाएंगी। पपअप का मतलब खाना होता है, तो वह इनको पपअप खाना मतलब खाना खाने जाएंगी। और क्या करेंगी शादी में जाके? और क्या करेंगी? जूस पियेंगी। और कोल्ड ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक। और डांस कैसे करेंगी शादी में जाके? डांस कैसे करेंगी? कैसे डांस करेंगी? ओह ऐसे करके अपना फुल लुक दिखा दीजिए हुरिया इधर। वाओ सब प्यारी लग रही हैं आप तो माशाल्लाह से। ये कपड़े गंदे नहीं करिएगा। बस और पीना है? कोल्ड ड्रिंक ले आओ मत। लो और पीना है। और भाई ये आ गया है हमारा खाना रात का, क्योंकि घर में कोई है नहीं, तो मैंने ये मंगवा लिया था अपने लिए सिंगर। और ये है कोल्ड ड्रिंक, तो इंजॉय करते हैं अपना खाना। बहुत ही मज़े का, टेस्टी, मेरा फेवरेट, तो मैं खा लेती हूँ। तो भाई बहुत मज़े का लग रहा है सिंगर, बहुत ज़्यादा मज़े की है। तो अब खाना पीना हो गया है मेरा और घर में अकेली हूँ, तो इतनी बोरियत हो रही है। ड्रामे वगैरह भी देख के ज़्यादा बोरियत हो रही है, तो हुरिया नहीं, हुरिया आप लोगों को पता है कि हर वक्त कुछ ना कुछ करती रहती है, वो घर में नहीं है, तो इतना सन्नाटा हो रहा है घर में। तो बस यहाँ पे ब्लॉग को एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम पर मुझे और हुरिया को फॉलो कर लीजिएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।